नमस्कार, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को मेरी क्रिसमस। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। अब त्योहार का समय है, क्रिसमस आ चुका है, नए साल बस कुछ ही दिन की दूरी पर है, तो यही सोचकर हम आपके लिए एक बेहद खास पेशकश लेकर आए हैं जिसे हम कह रहे हैं सांता स्टॉक्स। जी हाँ, इस खास पेशकश में हमारे साथ कुछ बड़े दिग्गज जुड़ेंगे, बाजार के जाने माने चेहरे, जो आपके पोर्टफोलियो को कुछ नया गिफ्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके जीवन में और पोर्टफोलियो में आए खुशहाली। आइए शुरू करते हैं। हो हो, मैरी क्रिसमस। तो हमारी इस खास पेशकश के पांच सांता, या कहें बाजार के पांच सांता, जो आज हमारे साथ इस स्पेशल शो का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बाजार के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बलिगा सर आज हमारे साथ इस शो में शामिल हो रहे हैं। अनराठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के सिद्धार्थ सिडानी जी, SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल, शेयर खान के संजीव होता जी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कान साहब का भी आज हमें साथ मिला है। सबसे पहले तो हमारे सभी मेहमानों को मैरी क्रिसमस, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस त्योहारी सीजन के एंड ऑफकोर्स नए साल की। चलिए बलिगा सर, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। बताइए आज आपके सांता वाले झोले से पहला पिक हमारे दर्शकों के लिए कौन सा आएगा? नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर व्यूअर्स एंड ऑल द पैनलिस्ट। मेरा जो पिक है ये है SBI कार्ड्स, और मेरे पिक्स ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं किए हैं लास्ट ईयर, शायद 2024 में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि 2023 में भी देखिए लाइक रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं किए थे 21-22 में, उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया 23 में। वैसे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं किए इस साल, शायद नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो पहला वाला है SBI कार्ड्स। स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है SBI का। SBI कार्ड्स इज द सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्योर इन इंडिया, 18% मार्केट शेयर है। SBI का वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर नेटवर्क का बेनिफिट मिल रहा है इनको, और नंबर ऑफ कार्ड्स इश्यूड करीब 22% बढ़े हैं YoY, तो अभी करीब 1.75 करोड़ कार्ड्स हैं। रिसीवेबल्स बढ़े हैं करीब 30% से, और करीब 62% ऑफ द एसेट्स इज इंटरेस्ट बेयरिंग, विच इज एक्सट्रीमली गुड, तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो इम्प्रूव हो रहा है। एक्सपेक्टेड है कि फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स करीब 30 लाख कार्ड्स ऐड होंगे पर एनम। एक्सपेक्टेड निम्स है 12-13%, विच इज वेरी गुड, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन इंक्रीज करेंगे करीब 25-30% के आगर से ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और डिजिटल पेमेंट्स करीब 65% ऑफ द रेवेन्यू होंगे बाई 2026, सो मार्जिन विल क्लियरली इम्प्रूव। तो एक्सपेक्टेड EPS फॉर FY26 करीब 40 का है, और मेरा टारगेट यहाँ बनता है 1080 का। ओके, तो SBI का अम्बरीश सर की तरफ से पहली सांता स्टॉक, या कह सकते हैं क्रिसमस गिफ्ट, आपके लिए आती हुई। बढ़ते सिडानी जी की तरफ। सिडानी जी, मार्केट में तो अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिला है, आज आप हमारे दर्शकों के लिए मार्केट के सांता बन के आए हैं, तो कुछ ऐसे ही एक्शन पैक्ड वाला जबरदस्त स्टॉक दे दीजिए ताकि हमारे दर्शकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को, और गुड आफ्टरनून पैनलिस्ट को। मेरी क्रिसमस आप सभी को, सी बिजनेस की टीम, नेहा आपको और सारे ही दर्शकों को। जब आपने एक्शन पैक की बात की नेहा, तो एक्शन तो मार्केट में है ही, तो आपने एक्शन की बात की, तो मैं ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो एक्शन से शुरुआत होती है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एस। एस पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का। विद अ डिस्क्लेमर, हम करीबन 7 दिसंबर 2023 मतलब इसी महीने से हम हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड करते आ रहे हैं बार बार। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट खरीदना क्यों है, 60% का इनका मार्केट शेयर है फिक्स्ड और मोबाइल टावर क्रेन्स में, बड़ा भारी मार्केट शेयर है इनका, वन ऑफ द इनकमबेंट प्लेयर्स है। दूसरे तिमाही के जो सेल्स ग्रोथ और वॉल्यूम्स देखे हमने क्रेन्स और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में, वो करीबन 36% और 115% YoY देखे गए। कंपनी लैंड प्लान कर रही है नए इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल क्रेन लॉन्च करने की, जो 180 टन की क्रेन्स लॉन्च हो सकती है, 100 करोड़ का केपेक्स है,
करीबन 4 से 5 गुना का कैपेसिटी बढ़ाने की योजना है आने वाले कुछ सालों में एक्शन कंस्ट्रक्शन द्वारा, और बहुत सारा बूस्ट मिला है गवर्नमेंट का केपेक्स जो किया गया है अर्बन साइड में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज में, मैन्युफैक्चरिंग में, लॉजिस्टिक्स में, ये सब बहुत जोरदार फायदामंद और बेनिफिशियरी हुआ है एस के लिए। एस पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 1000 रुपए का निवेश का लक्ष्य। तो सुडानी जी की एस पर राय है और ये इनकी पहली सेंटा स्टॉक है, क्रिसमस गिफ्ट है जो हमारे दर्शकों को भेंट कर रहे हैं। अब बारी आती है सनी अग्रवाल जी की। सनी जी, मेरी क्रिसमस आपको, जरा बताइए आज आप कौन सा तोहफा देने वाले हैं हमारे दर्शकों को एज अ सेंटा स्टॉक? गुड आफ्टरनून नेहा और सभी दर्शकों को मेरी क्रिसमस। आज का मेरा पिक रहेगा सुप्रिया लाइफ साइंस, करंट मार्केट प्राइस 285 के करीब है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 335 टू 340 विद इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 6 टू 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो कंपनी एक एपीआई फार्मा सेक्टर में काम करती है, एपीआई बनाती है और इनका जो प्रेजेंस है वो है एनाल्जेसिक एंटीहिस्टामाइन विटामिन सेगमेंट में है। कंपनी ने रिसेंटली एक टाइप किया था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें ये लोग जो माउथ कैंसर का जो किट होता है वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे काफी रिजनेबल रेट पे, और इसका जो मार्केट साइज है ग्लोबली तकरीबन $21 बिलियन का मार्केट साइज है। तो अगर इसमें 1 या 2% भी अगर मार्केट शेयर ले पाते हैं तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा अर्निंग ग्रोथ हमें कंपनी में देखने मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की जो कैपेसिटी है वो थर्ड क्वार्टर में भी एक्सपेंड हो रही है, 550 किलोलीटर पर डे की जो इनके रिएक्टर की कैपेसिटी है उसमें 400 किलोलीटर पर डे से ऐड हुई की कैपेसिटी। अगर मैं ओवरऑल ये परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि FY25 में कंपनी तकरीबन 650 करोड़ का सेल दर्ज करेगी और 137 करोड़ का पैट दर्ज करेगी। FY23 में कंपनी ने 90 करोड़ का पैट दर्ज किया था, और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो FY25 में तकरीबन 15 से 16 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रही है कंपनी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना। ओके, सुप्रिया लाइफ साइंसेज अपने रिडार पर रखिएगा, दमदार प्रदर्शन की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। चलिए अब बढ़ते हैं संजीव होता जी की तरफ से। संजीव सर, पहले तो मेरी क्रिसमस। हम देख रहे हैं कि पूरा माहौल इस टाइम बड़ा खुशनुमा होता है, लोग छुट्टियों पर जाते हैं, पार्टी करते हैं, होटल्स जाते हैं, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, बेसिकली सेलिब्रेटरी मोड रहता है। ऐसा कोई स्टॉक बता दीजिए जिससे हमारे दर्शकों का पोर्टफोलियो है वो भी झूमने लगे, पार्टी करने लगे। संजीव जी, ये सवाल आपके लिए था। ओके, चलिए संजीव जी के ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, हम लौटेंगे उनके पास, लेकिन बढ़ते हैं आगे धर्मेश कांत जी की तरफ। धर्मेश सर, मेरी क्रिसमस, आपको बहुत बहुत स्वागत है। जरा बताइए कौन सा ऐसा सेंटा स्टॉक आप हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं जो आने वाले समय में अगले क्रिसमस तक एक फर्राटा रफ्तार में बढ़ेगा और अच्छा मुनाफा कमा कर देगा? नेहा जी, आपको, सारे पैनलिस्ट को, व्यूअर्स को मेरी क्रिसमस और न्यूयॉर्क की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि इंफ्रा स्पेस में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन चल रहा है और वहां पर रेलवे इंफ्रा में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। सरकार का रवैया चेंज हो गया है और सरकार की जो स्पेंडिंग है रेलवे को लेकर के वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, चाहे वो लेने बढ़ाने की हो, ब्रिजेस बनाने के हो, नए रेलवे ट्रैक्स डालने के हो, 4 से 6 और 6 की जगह 8 बुलेट ट्रेन की जो आने वाले समय में आने वाले हैं, वो सारे क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं और काफ़ी स्पीड में चल रहे हैं। यहाँ पर रेल विकास निगम लिमिटेड एक काफ़ी उम्दा प्ले है और ये इसमें ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस के हिसाब से ये काम कार्यरत है। पिछले अगर 5 साल में देखें तो इनका जो मुनाफा था वो 20% के कैगर से बढ़ा है और जो टॉप लाइन है, रेवेन्यू है, वो 22% से बढ़ा है। मार्जिन 6 से 7% का मेंटेन रखते हैं और जो कमोडिटी प्राइसेज वो ज़्यादा बढ़ी नहीं है तो उसका भी एडवांटेज है। प्लस इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें स्केलेशन क्लॉज बिल्ट रहते हैं कमोडिटी प्राइसेज के, एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्टर हो रखी है और हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में जो इनका ऑर्डर बुक है वो 65,000 का है जो कि 3 times बुक टू बिल रेशियो पे है और मैनेजमेंट का भी ये कहना है कि बढ़ के 75,000 से 1,00,000 करोड़ हो जाएगा। सरकार ने भी हाल फिलहाल भी अनाउंस किया था कि अगले बजट में ऑलमोस्ट 20% से रेलवे बजट में इजाफा करेंगे और 1,00,000 करोड़ का इन्होंने रेलवे कोचेज बनने का ऑर्डर दिए हैं। तो ये सब मिला जुला करके देखें तो काफ़ी कंड्यूसिव लगता है, काफ़ी कंसिस्टेंट प्ले रहा है। इससे बाई करने की सलाह है, अगर थोड़ा गिरावट मिले मार्केट करेक्शन के हिसाब से तो वहाँ भी बाई करें। ऑफसाइड टारगेट 1 साल के नजरिए से 240 का दिखता है, जहाँ पर ये 22 times PE मल्टीपल पर मिलेगा और वही इसका 22% रहेगा
और इसके स्टॉप लॉस के लिए 140 के स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो ऐसा बाय ऑन एवरी डिक्लाइन। ओके, बाय ऑन एवरी डिक्लाइन आरवीएनएल, इसको मिस मत करिएगा। लंबी अवधि के लिहाज से अच्छी बेट निकल कर आ रही है 240 तक के टारगेट के लिए। संजीव होता जी के पास चलते हैं। संजीव सर बताइए, इतने सेलिब्रेशन और त्योहारों का मौका है, तो आप कौन सा हमारे दर्शकों के पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करेंगे जिससे उनका पोर्टफोलियो भी पार्टी मनाए? गुड मॉर्निंग नेहा एंड मेरी क्रिसमस एवरीवन, और जी के सभी दर्शकों को भी मेरी क्रिसमस एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर है। आज जो मेरा पिक है वो होटल स्पेस से है, सामी होटल। इसका जो टारगेट प्राइस रहेगा इन्वेस्टमेंट का वो है 223। जो इन्वेस्टमेंट नैरेटिव है ये कंपनी का, वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ होटल्स है। ये मैरियट, हयात, हॉलीडे इन सभी होटल में इनका लाइसेंस लेके रखा हुआ है, और इनका कॉर्पोरेट ऑफिसेस भी है, जिसकी वजह से इनका जो वोलेटिलिटी रिस्क है वो कम हो जाता है। और इनका जो रेवेन्यू और इबिटा कैगर है ऑलमोस्ट 20 और 24% है 23 से 26 लेकर से, और इसकी वजह से इनका जो कैश फ्लो है बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा डीलिवरेजिंग होगा और बैलेंस शीट इम्प्रूव होगा। और अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें, अभी भी ये 9x और 8x FY 2025 और 2026 पे इबिटा पे चलता है, जो कि एक स्टीप डिस्काउंट है होटल सेक्टर में। तो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, अच्छा कंपनी है, बैलेंस शीट इंप्रूव होने वाला है, तो यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी विद टारगेट प्राइस ऑफ 223। सामी होटल्स एक साल के लिए अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, अगले क्रिसमस तक 223 का टारगेट, और डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो विल से थैंक यू टू यू। लेकिन अब क्रिसमस का मौका है, नया साल आने वाला है, तो एक एक गिफ्ट से तो काम चलेगा नहीं, तो हम अपने गेस्ट को, मेहमानों को ऐसे जाने नहीं देंगे। अमरीश सर वापस आपके पास आएंगे, एक और सांता गिफ्ट आपसे तो बनता है, बताइए। दूसरा जो गिफ्ट है वो है भारत फोर्ज, विच इज वन ऑफ द लीडिंग ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्टर है, जिसका एक्सपर्टीज है फोर्जिंग और मेटलर्जी में। कस्टमर सेगमेंट्स है पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, पावर और डिफेंस। नियरली 47% इनका रेवेन्यू आता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल्स। डिफेंस सेक्टर के लिए आर्टिलरी सिस्टम्स और प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल्स बनाते हैं। इन एरोस्पेस जेट इंजन कॉम्पोनेंट्स, सब असेंबलीज और स्ट्रक्चरल आइटम्स जैसी चीज बनाते हैं इन लोग। Expected exponential growth in these verticals. Export जो इनका business है grow किया करीब 21% last year. अच्छे defense orders आ रहे हैं, aerospace order book position strong है। JS Autocast company इन्होंने जो takeover किया था, that also grew by about 28% last year. तो overall expecting a revenue CAGR of 18% next 3 साल में, और expected EPS for FY 2026 करीब 47 का है, और यहाँ पे मेरा target बनता है 1510। ओके, भारत फोर्ज एक और बेहतरीन सेंटा पिक आती हुई, एक साल का समय तो आपको इसको भी देना पड़ेगा, 1510 का लक्ष्य करेगा आपका इंतज़ार, अगर आप कम से कम 12 महीने इसे अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। अच्छा सिडानी जी, आपकी तरफ से एक्शन कंस्ट्रक्शन पर तो दाव आ गया, लेकिन ये तो घूमने फिरने का समय है, तो हम घूमने फिरने जा रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो को भी ऊपर की तरफ घूमने का मौका मिलना चाहिए, तो बता दीजिए कोई ऐसा स्टॉक जिससे नॉर्थवर्ड रैली मिल जाए। जरूर भाव बढ़ेंगे नेहा, मैं जरूर कहूंगा कि रेट गेन जरूर होगा, और ये स्टॉक भी रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी है, घूमने फिरने की कंपनी जो बैक एंड सॉल्यूशंस देती है, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, इस पे खरीदारी की राय है। दूसरा सांता स्टॉक, टारगेट आपको रखना है 900 रुपए का, 900 रुपीज का। ये करीबन हम 1 से 1.5 सालों से हमारे क्लाइंट्स को लगातार बार बार रेकमेंड करते आ रहे हैं विद अ डिस्क्लेमर। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी 900 रुपए का टारगेट है। ये लार्जेस्ट प्रोसेसर है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस का, बैक एंड सॉल्यूशंस देती है, बहुत सारे मार्की क्लाइंट्स हैं इनके, जैसे मेक माई ट्रिप, ओयो रूम्स, लुफ्तांसा एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, और बहुत सारी ग्लोबल होटल्स, हॉस्पिटैलिटी एयरलाइंस की कंपनियां हैं, 20 क्लाइंटाइल है। वेडिंग सीजन है, न्यू ईयर का वेकेशन टाइम है, एविएशन होटल्स सब जगह जैम पैक्ड है, जिसका फायदा रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी को मिलेगा। Q2 का सेल्स भी काफी दमदार रहा, 80% से बढ़ते हुए दिखा, मुनाफा 130% से बढ़ते हुए दिखा, और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है 25% EBITDA और 2000 करोड़ का रेवेन्यू। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट से 18% CAGR से ग्रो होती है। इस कंपनी का अगर बात करें तो 65% रेवेन्यू का टारगेट है FY 2024 का ग्रोथ का, और करीबन 25% का FY 2025 में। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, कल ही अनिल जी ने मैनेजमेंट के साथ भी इंटरव्यू किया था न्यूज पर व्यूज पे, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू था, इस पे खरीदारी की राय है 900 रुपए का टारगेट। इन पे भरोसा, और ये भरोसा आपको भी और आपके पोर्टफोलियो को भी खुशहाल कर देगा।
900 का टारगेट है, साल भर रखिए रेट गेन ट्रैवल्स, अच्छी कमाई का मौका इस त्योहारी सीजन बनता दिखाई दे रहा है। आइए सनी अग्रवाल जी की तरफ चलते हैं। अच्छा सनी जी, आपने तो एक बहुत बेहतरीन सुप्रिया लाइफ साइंस बतौर सांता स्टॉक दे दिया, लेकिन कुछ और चमक बढ़े हमारे पोर्टफोलियो के ऐसा एक स्टॉक बता दीजिए। नया तो मेरा जो सेकंड पिक रहेगा वो ज्वेलरी सेक्टर से रहेगा और मेरा पिक है कल्याण ज्वेलर लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 335 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 390 का विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर मैं कंपनी के कारोबार की बात करता हूँ तो वन ऑफ द लीडिंग ज्वेलरी प्लेयर है। इनका 50% कारोबार साउथ इंडिया से आता है। 172 शोरूम्स है, उसमें से 42 शोरूम फ्रेंचाइजी ओन शोरूम्स है। इनका मिडल ईस्ट में भी प्रेजेंस है, तकरीबन 34 शोरूम्स इनके मिडल ईस्ट में भी है। और कंपनी ने जो एक डेढ़ साल से जो अपना एक स्ट्रेटेजी अपनाई है जिसमें ये एसेट लाइट मॉडल फ्रेंचाइजी रूट से जा रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हमें देखने मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम कंपनी के जो लोन है वर्किंग कैपिटल लोन उसमें कंसिस्टेंटली रिडक्शन होते हुए दिख रहा है। और इसी के चलते हमने देखा कि FY22 में कंपनी के जो रिटर्न रेशियो थे 7.5 सिंगल डिजिट के आसपास थे, वो बढ़ करके 13% हुए FY23 में। और FY25 में हमारा ये मानना है कि इनके जो रिटर्न रेशियोज है ये 13% से बढ़ करके हो जाएंगे 18%। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ तो FY23 में कंपनी ने तकरीबन 432 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था और FY25 में हमारा ये मानना है कि 850 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर सकती है। ओवरऑल काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट है अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज EBITDA मार्जिन, वेदर इट इज रिटर्न रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। एट द सेम टाइम थर्ड क्वार्टर के जो नतीजे मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन नतीजे आएंगे, क्योंकि जो जितना भी फेस्टिवल सीजन जो ओकेजन थे वो ये क्वार्टर में कहीं ना कहीं बंचअप हुए हैं, तो इसका एक बम्प अप इफेक्ट भी हमें थर्ड क्वार्टर में देखने मिले। ओके, कल्याण ज्वेलर्स अ मस्ट कीप इन योर पोर्टफोलियो और बतौर क्रिसमस के ओकेजन पर ये आ रही है, तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। नज़र रखिएगा ज्वेलरी स्पेस की इस जानी मानी कंपनी पर, 390 तक का टारगेट आपको दिखेगा, 6 से 12 महीने का होराइजन है। धर्मेश सर, अब आपके पास आते हैं, आपकी तरफ से RVNL रेलवे स्पेस की कंपनी तो हमें मिल गई, अब जरा बताइए दूसरा सांता स्टॉक आपकी तरफ से क्या आप भेंट करेंगे हमारे दर्शकों को। जी जी हाँ, देखिए पावर की हर जगह जरूरत पड़ती है, ये कम्युनिकेशन के लिए भी पावर की जरूरत है और पावर स्पेस जो है वो बहुत बड़े रोल पे है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स रहा है पावर क्षेत्र को लेकर के, ऑलमोस्ट 300 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू पावर जनरेशन के प्लांट कैपेसिटी वो लगवाना चाहते हैं इंडिया में, खुद गवर्नमेंट सेक्टर से भी और प्राइवेट सेक्टर से भी, वहाँ पर सोलर एक अहम प्ले करता है। तो मुझे लगता है पावर जनरेशन जो कंपनियाँ हैं उनमें तो तेजी आएगी ही, वहाँ उनको तो कारोबार मिल ही रहा है, बट इसमें जो इक्विपमेंट्स लगते हैं चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या फिर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैपेसिटेटर्स हैं, इंसुलेटर्स हैं और बहुत तरीके के उनके जो इक्विपमेंट लगते हैं जो जो आपको डायरेक्ट करंट जो सोलर से प्रोड्यूस होता है उसको एसी करंट में चेंज करने के लिए लगते हैं, वो सारे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड। इसकी जो पेरेंट कंपनी है जापानी जो वर्ल्ड में लीडर है HVDC ट्रांसमिशन के लिए, जो कि एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है जहाँ ट्रांसमिशन लॉस भी काफ़ी रिड्यूस होता है। तो हिंदुस्तान में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ट्रांसमिशन लॉसेज को रिड्यूस करना है, तो वहाँ पर ये पायनियर और फर्स्ट कंपनी है। पहले साल 4 साल में एक ऐसा अवार्ड मिलता था, अभी सरकार का मानना है कि हर साल एक अवार्ड करेंगे और 2000 से 7000 करोड़ का एक अवार्ड आता है। तो पूरे पावर क्षेत्र में इक्विपमेंट को लेकर के अराउंड 2.5 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस मिलना चाहिए, वहाँ पर मुझे लगता है हिताची एनर्जी इंडिया लिमिटेड वेल प्लेस्ड है, चाहे वो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो या फिर रेलवे क्षेत्र में जो भी उनका ट्रांसमिशन और वायरिंग केबल लगते हैं उसके लिए, या 5G सेंटर्स में लगते हैं, डेटा सेंटर्स में लगते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में भी इनके इक्विपमेंट लगते हैं। कंपनी एक टर्नअराउंड पर है, पहले इनके मार्जिन काफ़ी घट गई थी बिकॉज सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम थे और कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए थे, अभी वो सारे कंट्रोल में आ गए हैं, 3 से 5% ऑपरेटिंग मार्जिन हो गया और मैनेजमेंट का मानना है कि FY25 के एंड तक ये 10% हो जाएगा। हम लोगों का ये अनुमान है कि इनकी जो टॉप लाइन रेवेन्यू है जो अराउंड 4.5 हज़ार करोड़ की थी FY23 में, वो FY26 तक 7,700 करोड़ की हो जाएगी। जो प्रॉफिट इनकी थी 94 करोड़ की FY23 में, वो FY26 तक अराउंड 482 करोड़ का हो जाएगा। तो काफ़ी बड़ा रीरेटिंग कैंडिडेट है, 1-2 क्वार्टर्स के नतीजे जब और आएंगे तो बाकी एनालिस्ट लोग को भी ये दिखने लगेंगे। तो मौजूदा इसको जो है वहाँ पर आप CMP पे बाई कर सकते हैं, 5,000 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, थोड़ी गिरावट आए तो भी खरीदते चले, और 5,700 का पहले ईयर के हिसाब से, एक साल के हिसाब से इसका अपसाइड टारगेट बन के निकलता है। तो क्रिसमस के माहौल में पूरी एनर्जी के साथ हिताची एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो में जगह जरूर दे 5,700 के अपसाइड टारगेट के लिए। संजीव होता सर, अब आपकी बारी आती है, सर बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है, आपकी तरफ से फाइनल सांता स्टॉक कौन सा होगा।
जी जो आज का पिक है वो वंडरला हॉलिडे है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1137। ये इंडिया की लार्जेस्ट थीम पार्क है विद 20 इयर्स ऑफ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। उसकी जो थीम पार्क अभी है वहाँ पे 162 राइड्स है, 15 रेस्टोरेंट है। कंपनी धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है जिसकी वजह से इसके मार्जिन और इम्प्रूव होंगे। आने वाले 3 सालों में इसका जो नया पार्क आ रहा है वो चेन्नई में आ रहा है, उड़ीसा में आ रहा है, जिसकी वजह से रेवेन्यू विजिबिलिटी और इम्प्रूव होगी। और इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो अभी $2,350 है वो करीबन $3,000 पहुंच जाएगी नेक्स्ट 5 से 6 सालों में। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही वो लाभदायक रहेगी और बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाएगी। पैट के अगर हम लेके चल रहे हैं 25% का 23 से 26 पे, और अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 10x EBITDA FY26, तो बहुत रीजनेबल है कंपनी के लिए। तो मुझे लगता है रेटिंग के अच्छे कागार है कंपनी के लिए। तो इन्वेस्टमेंट टारगेट यहाँ पे 1137 रहेगा और यहाँ पे बाय करने की सलाह है। तो इस शो की आखिरी पिक वंडरला हॉलीडेज आपके सामने, 1137 का टारगेट संजीव होता सर को दिख रहा है, लेकिन साल भर का समय दीजिए तब आपको ये बेहतरीन कमाई करा के देगा। चलिए एक फटाफट रीकैप आपके सामने रख देते हैं, वो भी बिल्कुल क्रिसमस वाले थीम के साथ। कैसे, देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिसमस ट्री और इसमें हमारे 5 मेहमानों के सारे गिफ्ट एक एक करके आएंगे। पहला SBI कार्ड बलीगा सर की तरफ से, दूसरी उनकी पिक रही भारत फोर्ज, साल भर का टाइम इसको भी देना होगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन सिडानी जी को है इस पर भरोसा, उन्हें लगता है अच्छे गेम्स की तैयारी है और गेम्स मिलेंगे रेट गेन ट्रैवल में भी, ये उनकी तरफ से आज दूसरी पिक निकल कर आई है। सनी अग्रवाल जी को सुप्रिया लाइफ साइंस पसंद आया, उन्हें अच्छे गेम्स की पूरी पूरी संभावना यहां पर नजर आई है और साथ ही आपके पोर्टफोलियो को वो चमका रहे हैं कल्याण ज्वेलर्स के साथ बतौर उनकी दूसरी सेंटर पिक। त्योहार का मौसम है, सामी होटल्स पर फोकस आज संजीव होता सर ने किया है और वंडरला हॉलीडेज के माध्यम से वो आपको दूसरा सेंटा स्टॉक भी भेंट कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज धर्मेश सर की तरफ से भी 2 पिक्स आई हैं। RVNL पर उनका भरोसा है, साल भर के टाइम फ्रेम में अच्छी कमाई हो सकती है। एंड नॉट टू फॉरगेट हिताची एनर्जी, इसको अपने पोर्टफोलियो में स्थान देना ना भूलें। चलिए तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अम्बरीश सर, सिडानी साहब, धर्मेश जी, सनी अग्रवाल जी एंड संजीव होता सर, मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन और आपको नए साल की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच आज बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ सांता स्टॉक्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।